हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइफ बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइफ बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने घर से या घर के आसपास से मिनरल वाटर बनाने का प्लांट लगा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको इसी तरह के आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। और दोस्तों, साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, पैक किए गए पेयजल या खनिज जल निर्माण संयंत्र भारत में एक लाभदायक व्यवसाय है। खनिज पानी एक जो है मिनरल वाटर शुद्ध पानी है जो बेरियम, आयरन, मैग्नीज इत्यादि जैसे खनिजों की आवश्यक मात्रा के साथ मजबूत होता है, जिसे मानव शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। पैक किए गए पेयजल का अर्थ है पीने योग्य पानी के किसी भी स्रोत से प्राप्त पानी को प्लास्टिक या ग्लास कंटेनर में पैक होने से पहले निर्धारित मानकों को पूरा करके फिल्टर करना। तो दोस्तों, पानी के जो पीने का पानी के उद्योग में पिछले 4 वर्षों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसमें सैकड़ों छोटे पैमाने पर आपूर्तिकर्ता जल बाजार में प्रवेश कर गए हैं। BIC मानकों के अनुसार आपको अपने पानी को पैक करना होगा। पैक किए गए पेयजल के लिए ISI विशेषता ISI 14543-19998 कुछ पैमाने हैं दोस्तों, जो आप ISI की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। उनके अनुसार आपको पैमाने पूरे करने होंगे और वाटर को उस हिसाब से फिल्टर करना होगा। तो दोस्तों, जो प्लांट या इकाई लगाना है उसके लिए छोटे पैमाने पर पैक किए गए पेयजल या खनिज जल संयंत्र शुरू करने के लिए आपको 500 वर्ग मीटर का एक कवर क्षेत्र और 500 वर्ग मीटर का एक खुला क्षेत्र की आवश्यकता होगी। 200 मिलीलीटर पाउच पैकिंग, 500 मिलीलीटर की बोतलें, 1 लीटर की बोतलें, 2 लीटर की बोतलें, 5 लीटर की बोतलें, 20 लीटर ड्रम के रूप में बाजार में पैक किया गया पेयजल उपलब्ध है। आप एक पूर्ण संचालित यानी कि पूर्ण ऑटोमेटिक मशीन के साथ जा सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी निवेश क्षमता पर निर्भर करता है। मशीन्स के लिए आप IndiaMart.com सर्च कर सकते हैं, जहां आपको कई कई सप्लायर मिल जाएंगे। आप 3-4 सप्लायर से रेट लीजिए और उनसे नेगोशिएट कीजिए, जिसका रेट सबसे कम है आप उससे प्लांट लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मशीनरी यानी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे अलम ट्रीटमेंट टैंक, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट यानी कि RO प्लांट और क्लोरीनेशन टैंक मेड ऑफ SS स्टील का बना होता है, सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, माइक्रोन फिल्टर, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लोजर। तो दोस्तों, अलग अलग पार्ट होते हैं फिल्टर के। इसमें आप जिससे फिल्टर लगवाओगे वो पूरा इसका प्रोजेक्ट आपका लगा देगा। तो दोस्तों, इसमें रॉ मटेरियल होता है, आपको पानी होता है। आप पानी चाहे तो नल से भरा हुआ यूज़ कर सकते हैं, अब अगर ज़्यादा कैपेसिटी है तो अपनी आपकी अगर जगह अपनी है तो वहाँ पे बोर भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आप अपना प्लांट लगा सकते हैं, इसके लिए IndiaMart.com सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, निर्माण प्रक्रिया है, सबसे पहले पानी को इकट्ठा करें, जिसे आप टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। ज्ञात मात्रा को टैंक में पंप हो जाता है, जहां पानी भारी जाते हैं अघुलनशील मामलों के साथ तालमेल के लिए अलम के साथ मिक्स होता है। इसके अलावा आप रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीकों यानी कि RO तकनीकों द्वारा शुद्धियों को हटा सकते हैं। यानी कि एक टैंक में पानी इकट्ठा कीजिए सबसे पहले, फिर प्लांट को चलाइए तो प्लांट उसको ऑटोमेटिकली फिल्टर करता है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप बॉटल्स पैक करना चाहते हैं, छोटे कप पैक करना चाहते हैं, इसके लिए आपको पैकिंग की मशीन्स लगानी पड़ेंगी, जिनकी अलग से कॉस्ट होती है। इन मशीन्स के लिए भी आप IndiaMart.com सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कई प्रकार के फिल्टर होते हैं प्लांट में, जो कि पानी को पूर्ण रूप से शुद्ध करते हैं जैसे सैंड फिल्टर होते हैं, कार्बन फिल्टर होते हैं डीक्लोरीफिकेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों, इसमें RO UV प्रोसेसेस होती हैं, जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस इसमें काम करती हैं फिल्टर के अंदर। तो दोस्तों, प्लांट की कॉस्ट 5 से 30 लाख हो सकती है, जो डिपेंड करती है प्लांट की ऑटोमेशन के ऊपर। इसके लिए आप IndiaMart.com सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद रजिस्ट्रेशन, आपको इसके लिए फूड लाइसेंस इनवारी है, इसके लिए FSSAI foodlicense.com पे विजिट कर सकते हैं। उद्योगधार में बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ेगा, इसके लिए udyogdhar.gov.in की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। GST लेना पड़ेगा, इसके लिए reg.gst.gov.in की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी वेबसाइट्स के एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें ISI का भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी और BIS की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद कारोबार में निवेश, कारोबार को निवेश करने के लिए फिक्स कैपिटल की आवश्यकता होती है, जो अवधि ऋण, टर्म लोन और कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के रूप में ली जा सकती है। ऐसे कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से लिया जा सकता है। आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान जैसे माइक्रो फाइनेंस या सहकारी समितियों से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। MSME स्कीम के माध्यम से ऋण ले सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग से ट्रेनिंग और सब्सिडी वाला लोन ले सकते हैं। इसके लिए MSME.gov.in और KVSE.org.in की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मार्केट कंपटीशन के अनुसार अपना रेट रख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप होलसेलर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके भेज सकते हैं। अपना मिनरल वाटर का एक ब्रांड बना सकते हैं। और दोस्तों, इसमें छोटी बॉटल्स पैक कर सकते हैं, जो शादी में यूज होती हैं, उसको कैटरर्स को भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें 20 से 40% तक का मार्जिन कमा सकते हैं, जो डिपेंड करता है आपकी
लेबर कॉस्ट के ऊपर, और आपकी जो रॉ या पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल तो इसमें पानी होगा जो फ्री होता है, और दोस्तों जिसमें पैकिंग मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट के ऊपर, और आप जहाँ सेल कर रहे हैं वहाँ पे कितना कंपटीशन है और क्या रेट है। तो दोस्तों इस प्रकार आप मिनरल वाटर का प्लांट लगा के अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको इसी तरह के आइडियाज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। और दोस्तों साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो जानकारी वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर, मिलेंगे एक नई आइडिया के साथ अगली बार।